तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज डिफरेंट डिफरेंट टाइप से डिस्काउंट की एंट्रीज देखेंगे और देखते हैं ये ऑन ऑफ कैसे करते हैं। जीरो वैल्यूड वाउचर्स के बारे में भी थोड़ा सा देखेंगे सेल्स इनवॉइसेस में। तो वीडियो अगर पसंद आता है तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये सेल्स के वाउचर में जाता हूँ। अभी यहाँ पे देखिए डिस्काउंट के परसेंटेज दिए हुए, डिस्काउंट का एक अलग से कॉलम आ गया। ये कैसे आता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे अब जब हम लोग कंपनी में जाते हैं तो यहाँ पे फीचर्स में कंट्रोल सी के बाद F11 करना है और यहीं पे देखिए यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस, यहाँ पे लिखा हुआ है यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस, इसको मैंने यस किया है। आपको भी यस करना है। इन्वेंटरी में ये जो यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसेस है इसको आपको यस करना है, ठीक है। उसके बाद में चलिए हम लोग यहाँ पे एंट्री करते हैं। मैं समझ लीजिए 2 जून 2022 में एक एंट्री कर रहा हूँ 1254 नंबर के इन्वॉइस की, और ये DYS डेवलपर्स करके है जिनको मैं सेल करता हूँ। अभी मैं इनको सेल करूंगा 2-3 आइटम्स अलग अलग डिस्काउंट में। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये GST सेल लेजर ले लिया है और यहाँ पे समझ लीजिए मैं मिरर दे रहा हूँ इनको। अभी समझ लीजिए मैं इनको एक मिरर दे रहा हूँ और ये 7,500 रुपये का है और इसमें मैं 50% डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो ऑटोमेटिक ये जो प्राइस है ये आधा हो गया है, ठीक है। चलिए मैं इनको और एक मिरर दे रहा हूँ और ये मिरर अलग टाइप का है। समझ लो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन नहीं लिख रहा हूँ, बट चलिए मिरर नहीं देते हैं हम लोग। और यहाँ पे समझ लीजिए वॉश बेसिन देते हैं और वॉश बेसिन मैं इनको दे रहा हूँ 20 पीसेस, और ये मैं 3,500 रुपये के वॉश बेसिन दे रहा हूँ और इसमें मैं इनको डिस्काउंट भी दे रहा हूँ, समझ लो 15%। अभी ये 20 पे मैं ऑलरेडी इनको 2 वॉश बेसिन फ्री देना चाहता हूँ, समझ लो। तो मैं इनको कैसे फ्री दूंगा, तो यहाँ पे मैं वॉश बेसिन यहाँ पे दूंगा और यहाँ पे मैं ये जीरो वैल्यूड वाउचर में डालूंगा इसको। मैं इनको 2 पीस फ्री देना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे 2 डालूंगा और 0 कर दूंगा, और जब मैं यहाँ पे 0 कर दूंगा और इसके बाद जब मैं हम लोग यहाँ पे सेल्स CGST और सेल्स SGST ले लेंगे, सबसे पहले तो हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि 63,250 इंटू 9%, तो ये 5,692 ये बराबर आ रहा है, तो ये प्रॉपर है। तो अभी यहाँ पे कंट्रोल एंड करके इसको हटा देते हैं और जब मैं इसको एंटर कर लूँगा, देखिए ये वॉश बेसिन का जो ये 2 पीस है ये यहाँ पे दिखेगा नहीं, बिकॉज हमने वो जीरो वैल्यूड वाउचर का हम लोग ने ऑन नहीं किया है। मैं आपको देख एक बार एंटर करके बता देता हूँ। तो देखिए पेज अप अगर हम करते हैं तो यहाँ से देखिए वो 2 पीस वाला वॉश बेसिन हट चुका है क्योंकि हमने वो जीरो वैल्यूड वाउचर नहीं किया था। ऐसी बहुत सारी एंट्रीज आती है, बहुत टाइम ऐसा होता है कि वॉश बेसिन है 20 पीस दे रहे हैं, उस पर डिस्काउंट भी दे रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट है बट उसमें 2 फ्री भी आ रहा है, बट वो हम कैसे लेके आएंगे। तो उसके लिए भी यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। मैं यहाँ से एक बार बाहर जाके आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए हम लोग जाएंगे, वहाँ से भी हम जा सकते थे डायरेक्ट, बट मैं यहाँ से आपको जाके एक बार बता देता हूँ। यहाँ से गो टू में जाने के बाद ऑल्टर मास्टर में जाएंगे हम लोग। ऑल्टर मास्टर में जाने के बाद हम लोग चलेंगे वाउचर टाइप में, वाउचर टाइप से हम लोग सेल्स में जाएंगे और सेल्स में जाने के बाद यहाँ पे देखिए अलाउड जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन्स, इसको हम लोग यस कर देंगे और इसको कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अभी ये यहाँ से भी कर सकते हैं विद इन द एंट्री, जैसे ये DYS डेवलपर्स की एंट्री चल रही थी, ये लास्ट वाली, सॉरी ये वाली नहीं थी, हमारी 2 जून की एंट्री थी। ओके, ये वाली हमारी एंट्री चल रही थी 2 जून की 1254 बिल नंबर की। तो अभी यहाँ पे देखिए मैं यहाँ से भी जा सकता था विद इन द एंट्री करते करते, जब मेरा वो एक्सेप्ट नहीं हुआ तो यहीं से मैं वॉश बेसिन में जाता हूँ और यहाँ पे 2 पीस फ्री में देता हूँ, और यहाँ से ही हम लोग गो टू में जाके डायरेक्ट कर सकते हैं ऑल्टर मास्टर में जाके, और उसके बाद हम लोग वाउचर टाइप में जाके यहाँ से सेल्स में जाके हम लोग वो जीरो वैल्यूड वाउचर को यहाँ से यस कर चुके। मैं ऑलरेडी यस कर चुका हूँ अभी आपके सामने, तो यहाँ से हम लोग जाके यस करके कंट्रोल ए प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, और एस्केप एस्केप करने के बाद हम लोग यहाँ पे 2 पीस डालेंगे और इसकी वैल्यू 0 डालेंगे, और उसके बाद देखिए हम लोग एंटर एंटर करेंगे और टैक्स टैक्स रेट तो सेम ही उठाएगा बिकॉज ये थर्ड वाला हम लोग ऑलरेडी फ्री में दे रहे हैं उनको 2 पीस, तो 5,692 टैक्स रेट तो सेम ही उठाएगा, यहाँ पे देख सकते हो आप नीचे कैलसी में। तो ये एंट्री हो गई और यहाँ पे राउंड ऑफ करने का एक्चुअली ज़रूरत नहीं है, और ये प्रिंट में भी अभी दिखेगा और ये मैं आपको पेज अप करके दिखाऊंगा ये फिर से दिखेगा, बिकॉज पहली पहली बार में नहीं दिखा था बिकॉज हम लोग ने जीरो वैल्यूड वाउचर को यस नहीं किया था। तो यहाँ पे देख सकते हो अब वॉश बेसिन 2 पीस आ चुका है, और यहाँ पे अगर आप कंट्रोल पी करते हो और यहाँ पे आई प्रेस करने के बाद प्रीव्यू देखते हो इसका, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऑलरेडी ये 2 पीस दिखा रहा है अभी आपको जीरो वैल्यूड वाउचर का। और ये डिस्काउंट का मैं आपको बता दूं कि डिस्काउंट का आप कितने भी डिस्काउंट्स ले सकते हो, एक बार आप डिस्काउंट का कॉलम जो है वो यस कर दोगे ना, तो आपको अलग अलग टाइप के मल्टीपल डिस्काउंट्स ले सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे और एक बाथटब ऐड करना चाहता हूँ और यहाँ पे मैं समझ लो 25,000 का एक बाथटब लेता हूँ और मैं इसको अलग डिस्काउंट देता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो आप कि ये डिस्काउंटेड अलग अलग टाइप के डिस्काउंट हम ले सकते हो, और किसी में अगर डिस्काउंट नहीं लेना है तो वो भी नहीं ले सकते हैं।
ये बहुत ही अच्छा वे है डिस्काउंट की एंट्रीज लेने का। और एक चीज़ है, अलग से भी डिस्काउंट लेना है तो चलिए हम वो भी देख लेते हैं कि एक वाउचर बनाना पड़ेगा उसके लिए। मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो हम लोग ऑल्टर में जाके देखते हैं कि वो वाउचर बनाना, लेजर बनाना पड़ेगा सॉरी। तो मैं ऑलरेडी वो लेजर बना चुका हूँ, तो हम लेजर में जाके देखते हैं कि ये डिस्काउंट अलाउड का लेजर बनता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डिस्काउंट अलाउड का, और ये जीएसटी इसमें नॉट एप्लीकेबल रखना होता है, और यहाँ पे जो है जीएसटी को येस रखना होता है और गुड्स को सिलेक्ट करना होता है, यहाँ से बेस्ड ऑन वैल्यू करना होता है। मैं एक आपके सामने बना ही देता हूँ। तो यहाँ से हम लोग क्रिएट में जाएंगे, और यहाँ से लेजर में जाने के बाद यहाँ पे समझ लीजिए डिस्काउंट अलाउड मैंने क्रिएट किया था। मैं यहाँ पे एक डिस्काउंट गिवन करके क्रिएट कर देता हूँ, और ये ऑलरेडी है तो यहाँ पे टू करके क्रिएट कर देता हूँ। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा ये, बिकॉज हम सेल कर रहे हैं और हम डिस्काउंट दे रहे हैं तो ये हमारा नुकसान ही है। तो यहाँ पे मैं नॉट एप्लीकेबल करता हूँ, और जीएसटी को भी मैं यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल करता हूँ। तो यहाँ पे जो ये नीचे ऑप्शन आएगा इंक्लूड इन असेसिबल वैल्यू कैलकुलेशन फॉर, तो यहाँ पे जीएसटी को येस करना है, और यहाँ पे गुड्स को लेना है, और यहाँ पे बेस्ड ऑन वैल्यू को लेना है, और उसके बाद हमको एक्सेप्ट कर लेना है। तो एक एंट्री करके बताऊंगा ये वाले की भी। तो यहाँ पे चलिए हम लोग 2 जून में एक एंट्री कर लेते हैं, और बिल का नंबर 555 देते हैं। तो ये सेम पार्टी को कर रहे हैं, और यहाँ पे देखिए मिरर को ही करते हैं एक पीस, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाले डिस्काउंट के कॉलम को नहीं लेना है, यहाँ पे अलग से लेंगे। तो वो कैसे करना है, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, और यहाँ पे देखिए प्रोवाइड कैश ट्रेड डिस्काउंट, इसको यस कर देंगे तो एक ऑप्शन आ जाएगा देखिए यहाँ पे डिस्काउंट का। तो यहीं पे हम लोग समझ लो इसको हम लोगों को 50% देना है, तो 50% डिस्काउंट आ गया, तो 3750 आया। और उसके बाद में हम लोगों को यहाँ पे वो वाला लेजर ले लेना है डिस्काउंट गिवन टू, ये किया था मैंने। तो यहाँ पे कितना है 3750, ये माइनस करूँगा मैं 3750, और यहीं पे सेल CGST 9%। अभी देखते हैं ये 3750 पे जीएसटी उठाया है कि नहीं, 3750 इंटू 9%। तो ये देखिए 337.50, ये बराबर 3750 पे जो ये 3750 आता है यहाँ पे डिस्काउंट के बाद, उस पर इसने जीएसटी उठाया है। तो ये एक तरीका है डिस्काउंट की एंट्री करने का, अगर सेम टू सेम डिस्काउंट है हर चीज़ में तो ये एक तरीका है। तो ये एक एंट्री हो गई, इसके लिए आपको कैश और ट्रेड डिस्काउंट का ऑप्शन ऑन करना पड़ेगा अगर आपको यहाँ पे वो चाहिए। तो इसका प्रिंट प्रीव्यू कैसे दिखता है वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो इसका प्रिंट प्रीव्यू जो है वो ऐसे दिखता है, यहाँ पे देखिए यहाँ अलग से डिस्काउंट गिवन करके आ जाएगा, और ये यहाँ से लेस हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो वो जो पहले वाला था वही बेटर है, वो बहुत ही आसान तरीका है, वो एक आप ऑन कर लोगे तो ये वाला रिकमेंड करूंगा मैं, कि अगर आप एंट्रीज करते हो तो दिस विल बी द बेटर ऑप्शन फॉर सेल्स इनवॉइसेस। तो इसमें आप अलग अलग प्रकार के डिस्काउंट भी दे सकते हो, टैली ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेता है, और वो जीरो वैल्यू वाउचर्स भी आप ऑन करके रखिए अगर आप काम करते हो रेगुलर बेसिस पे, अगर आपका कोई फ्री में माल भी जाता है। और ये वाला ही बेटर है, इसमें एक चीज़ ये है कि ये आपको डिस्काउंट के बाद का रेट भी दिखाता है आइटम वाइज, तो वो एक अच्छा चीज़ है। कि जैसे यहाँ पे DII करके मैं मिरर में जाता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये देखिए ये पांच पीस बेचा है 50% डिस्काउंट देने के बाद, तो वो डिस्काउंट के बाद का रेट दिखाता है यहाँ पे आपको। तो ये एक अच्छी चीज़ है, देखिए 25,000 डिस्काउंट के बाद का रेट दिखाता है, तो आपको पता चलता है कि 7 पीस आपके गए 25,000 में, जिसमें से 2 फ्री गए, तो ये ओवरऑल आपको बता देता है कि आपने कितने में बेचा हुआ है माल आफ्टर डिस्काउंट। तो ये फीचर अच्छा है। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई रहेगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय।